हेलो एवरीवन, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। मूंगफली सर्दियों का सबसे लोकप्रिय टाइम पास है। समूह में बैठकर दोस्तों के साथ या फिर सफ़र करते समय इसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। लोग इसे सस्ता बादाम भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मूंगफली का पेड़ है। सर्दियों में मूंगफली खाने से शरीर को गर्माहट मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें लगभग वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में होते हैं, और ये बादाम से काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। ज़्यादातर लोग इसे स्वाद के लिए ही खाते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम और जिंक भी पाया जाता है। इसके अलावा ये विटामिन ई और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं। इसे खाने से ताकत मिलती है। मूंगफली की खेती भारत में कई जगह पर की जाती है। यह जमीन के नीचे लगती है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो आपको कुल 567 कैलोरी मिलती है, जिसमें आपको 49 ग्राम फैट, 16 ग्राम कर्ब और 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह एक हेल्दी फूड है जिसका इस्तेमाल आप रोज़ाना कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण से दूध नहीं पी पा रहे हैं तो मूंगफली का सेवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसे भिगोकर खाने से यह आपके लिए मांस से भी ज़्यादा प्रोटीन खाद्य है। तो चलिए जानते हैं मूंगफली के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। मूंगफली खाने से शरीर को ताकत मिलती है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी बेहतर रखते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए मूंगफली खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास बेहतर तरीके से होता है, और इससे आपके बच्चे को 70% बीमारियों से बचाया जा सकता है। सर्दी जुकाम में काफ़ी फायदेमंद है मूँगफली। इसे खाने से सांस लेने की तकलीफ दूर होती है। इसके नियमित सेवन से मूंगफली वो सभी फायदे देता है जो बादाम प्रदान करता है। इससे शरीर में खून की कमी पूरी होती है। एक अंडे के मूल्य के बराबर मूंगफलियों में जितनी प्रोटीन व उष्मा होती है, उतनी दूध व अंडे से संयुक्त रूप में भी नहीं होती है। इसमें मौजूद प्रोटीन मसल्स बनाने में मदद करता है। जो लोग जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उनको इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन मसल्स बनाने में मदद करता है और जोड़ों की दिक्कत को भी दूर करता है। मूंगफली मिनरल्स का खजाना है। इसके सेवन से आप कई बीमारियों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। यह शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। इसमें विटामिन B3 मौजूद होता है, जो दिमाग की ताकत बढ़ाता है। यह बढ़ती उम्र में आने वाली झुर्रियों को रोकता है। यह शरीर को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है, और इसके अलावा यह हमारी स्किन को डैमेज होने से भी बचाता है। अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करते हैं तो यह आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। यह कैंसर से बचाने में भी मदद करता है। इससे महिलाओं में 58% और आदमियों में 27% तक कोलन कैंसर की समस्या कम हो सकती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पेट में होने वाले कैंसर से बचाता है। मूंगफली खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। वजन बढ़ा सकता है। मूंगफली स्वास्थ्य में योगदान के बावजूद हाई कैलोरी से भरपूर होने के कारण वजन बढ़ा सकती है। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो कैलोरी आपके लिए अच्छी नहीं है। मूंगफली का अधिक सेवन आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। मूंगफली खाने से एलर्जी भी हो सकता है। एलर्जी में दुष्प्रभाव। मूंगफली सबसे आम एलर्जी में से एक है और गंभीर संभावित प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकता है। अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो इसका सेवन ना करें। मूंगफली से एलर्जी होने पर बहती नाक, खुजली, पित्ती, लालिमा या सूजन, मुंह और गले में झुनझुनी व पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। मूंगफली सोडियम की मात्रा बढ़ा सकती है। कई तरह की मूंगफली में नमक और स्वाद मिला होता है, जो आपके रक्तचाप पर असर डाल सकता है। नमकीन बैलेंसिया मूंगफली से आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर और दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए। रखें मूंगफली का अधिक सेवन करने से पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूखे पेट मूंगफली का इस्तेमाल न करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेट दर्द की गंभीर समस्या हो सकती है।
मूंगफली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखें और इसे सीमित मात्रा में ही खाएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।